हाँ जी, तो दिस ब्लॉग इज वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉग फॉर मी, क्योंकि मेरा बचपन से ही ख्वाहिश था कि बस एक बार आगरा जाऊँ ताजमहल देखने। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज एजाज एंड यू आर वाचिंग मी। ओ भाई, वेट, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि मैं यहाँ आया कैसे। कैसे कैसे? ट्रेन से। वैसे आगरा जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट ट्रेन एंड सेकंड बस। बट आई विल सजेस्ट टू यूज ट्रेन, इट्स बेटर एंड यू विल फील वेरी कम्फर्ट। ये लॉक के लिए लगा हुआ है सिर्फ। ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम इन आगरा एंड दिस इज माय डे टू डे। यू सी ऑलरेडी आई शो यू द ताजमहल आल्सो, सो आई एम क्लोजिंग माय डे हियर, सो I'll see you tomorrow. Bye. See you. Boom. The next day. Good morning, guys. How are you doing? Later, I'm gonna get ready and I'll show you the Taj Mahal here. वैसे आप लोगों ने होटल तो नोटिस कर ही लिया होगा जहाँ हम ठहरे हैं। They have a very nice design. They have a very nice table, couch. There is a couch. The cardboard for clothes, the mirror is there, the back side of design also very good. चलिए फिर अच्छे से दिखाते हैं B-roll के साथ। They say Mike's about to blow them. Tell me something that I don't know. Crowd bouncing like bogles. You can come on the tour bus, just please no photos. But they're all like somo, cause we be going off on the off nights. Cause I've been on, just here. They don't know, or maybe they starting to. Cause I work so hard that it's hard to lose. Top spot, I'm taking that face to face. Got a bottle in my hand, I'm facing that. Cause if winning is a habit, then I've been an addict. Every night is cinematic when you roll with us. And we won't live forever, but I will remember when I met you. When I met you in the summer, and I came to your town. We fell in love and we burned it to the ground. Okay guys, so थोड़ी देर में ताजमहल के पीछे हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे टिकट देते ओके, तो अभी हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं बैक साइड का एरिया यहाँ से, और इस देर में ताजमहल का दीदार करने वाले हैं हम लोग। ये ताजमहल का बैक साइड है जहाँ हम लोग आए हैं, और मेरा भाई भी आया हुआ है साथ में, और उसका दोस्त है। और यहाँ से हम लोग अब ताजमहल के एकदम करीब पहुँचने वाले हैं, ऑलरेडी पहुँचने वाले हैं बैक साइड से। पहले हम लोग बैक साइड से देखेंगे, फिर उसके बाद आगे से भी जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी पहले बैक साइड से देखने वाला हूँ। सभी सूख गया है पूरा, एक्चुअली इसको कोई मेंटेनेंस नहीं करता है ज़्यादा।
Okay guys, so finally I came already to see Taj Mahal, just all the way their side. Tomorrow. Okay guys, so हम लोग अभी already अंदर आ रहे हैं, वाले हैं ताजमहल का रास्ता। पीछे में पुलिस की चौकी लगी हुई है सिक्योरिटी के रीज़न से चारों तरफ, और यहाँ से काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता। हाँ, सो ये किला है पूरा चारों तरफ से बहुत ज़बरदस्त, और अंदर आई थिंक बहुत भीड़ होगा क्योंकि कल क्लोज होने वाला है और आज लास्ट डे है वीक का। उसी के नाम से आउटसाइड फतेहपुरी मस्जिद बनी हुई है। सेकंड नंबर गेट है ईस्ट गेट, यहाँ से भी एंट्री करते हैं, लेकिन इसे इस टाइम बोलते हैं वीआईपी गेट। जो वीआईपी नाम पड़ा वो इस टाइम का, लेकिन साजा के टाइम पे कॉल करते थे अकबरी गेट। सेकंड नंबर वाइफ थी उसका नाम था अकबरी बेगम, उसका टूम इस पेड़ के पीछे बना हुआ। अच्छा, तीसरा गेट है थर्ड गेट, ये साउथ गेट है, यहाँ से भी एंट्री करते हैं। तीन गेट से एंट्री होने के बाद ये ताज का मेन गेट, इसे बोलते चलते चलते बताते हैं, ये ताज का मेन गेट है, इसे बोलते हैं शाही दरवाजा। अच्छा, रॉयल एंट्री गेट, ये नॉर्थ साइड में। इस गेट का जो हाइट है, ऊंचाई है 105 फीट, अबाउट 35 मीटर, 35 मीटर है। इस गेट का खूबसूरती है राइटिंग, ये ब्लैक लेटर लिखा है ना तीन साइड से, ये कुरान की आयत लिखी है सूरह अल फजर। सूर्य अल्फा जल, हाँ, देखने में आपको राइटी ब्लैक वाली कलर पेंटिंग दिख रही है, एक्चुअली कोई कलर पेंटिंग नहीं है, व्हाइट मार्बल में काले पत्थर से काट काट के लिखी गई है, व्हाइट के अंदर काला पत्थर। ठीक है ना। अच्छा। और सेकंड खूबसूरती नीचे से लेटर का साइज, नीचे देखिए और ऊपर तक देखने में एक साइज ही ना सेम साइज का, एग्जैक्टली सेम नहीं लिखा हुआ है। हाँ। जो लेटर का साइज लिखा वो नीचे छोटा लिखा है, छोटा से लेके बड़ा। हाँ हाँ, लेकिन हल्का हल्का पता चल रहा है। हाँ, गौर करने पे पता चल रहा है। हाँ, लेकिन देखने में तो सेम ही दिखता ना, लेकिन इसका उस टाइम ये सोच थी कि नीचे छोटा पर बड़ा लिखा गया, देखने में एक जैसा दिखाई। चौथे आंखों का धोखा, ऑप्टिकली इल्यूजन। हाँ। इसका जो कैलीग्राफर था अमानत खान शिराजी फ्रॉम ईरान, जो ईरान से थे। अच्छा, ऊपर ये डॉम भी बना है ना, छोटे छोटे व्हाइट वाले 11 डॉम है ये। हाँ, ये 11 बनूंगे, 11 बने हुए ऊपर में। हाँ, 11 इस साइड है, 11 पीछे की साइड, 11 + 11 = 22। अच्छा, ये प्रूफ करता है कि ताजमहल जो बनाया है वो 22 साल में बना है, 22 ईयर्स में। और ये दरवाजा है इसका बहुत बड़ा, ये देखिए लग रहा है ताजमहल का फोटो फ्रेम। हाँ, फ्रेम में किसी को रखा जाता है मोबाइल में, फोटो ले सकते जूम करके फ्रेम के साथ। अच्छा, ये यहीं से लेते हैं लोग। हाँ, यहाँ से सिर्फ ताजमहल का आएगा, आपका नहीं, आपका तो चेहरा डार्क आएगा। हाँ, लेकिन काफ़ी दिख रहा है मुझे, लोग आगे थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, लोग काफ़ी आगे आ गए। देखिए ये So right now I am already inside and I feel really awkward to speak here, so that's why I am just recording video, not saying anything, because I don't know, it's too crowded here. तो आप लोग जो ताजमहल देख रहे हैं, ये ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया उसके मरने के बाद, ये उनका यादगार एक मेमोरियल है। सही बात, मुमताज का जन्म हुआ 1592, उनकी शादी शाहजहां के साथ 1612। शादी करने के बाद जब वो यहाँ पहली बार आए थे, ताजमहल नहीं था, एक गार्डन था अंगूरी गार्डन के नाम से, ये जगह मुमताज को बहुत पसंद आई, उसके साथ बुरहानपुर चली गई। बुरहानपुर सुनोगा MP के अंदर है, मध्य प्रदेश, ये एक ताप्ती नदी है ना, वहाँ चली गई। उन्होंने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया, 14 चाइल्ड। 14वें बच्चे के जन्म देने पर मुमताज की डेथ हो गई, तब उसकी डेथ हुई थी, उसकी एज थी 39 ईयर, 39 साल। तब वो मर गई, तो उसके मरने के बाद ताज को बनाना स्टार्ट किया गया। अच्छा। पहले इसकी उसकी डेड बॉडी को यहाँ दफनाया, उसके बाद बनाना शुरू कर दिया। अच्छा। 1631 में ताज को बनाना स्टार्ट किया गया, 1653 में कम्प्लीट हुआ ये। इसमें 22 साल लगा और 20,000 कारीगरों ने काम किया। 20,000 लोगों ने। इसका जो खर्चा आया उस वक्त आया था 4 करोड़ मुगल के टाइम का। मुगल के टाइम का 4 करोड़। उस टाइम जो गोल्डन सोने की कीमत थी ना वो थी 15 रुपए तोला। अंदर आया, यहाँ से बैठ के ताज की खूबसूरती निखारा करते थे, देखा करते थे पूरी तरह से, उसके बाद फिर अंदर जाते थे। दोनों साइड से सेम है मेन वाला, इधर से भी उधर से भी दिखाया हुआ, और चीज़ें एक सिमेट्रिकल है। यस, ये चार कोने पे चार मीनार है, जैसे 1 2 3 4 चारों मीनार देख रहे हैं, सीधी दिख रही है ना स्ट्रेट। हाँ,
एग्जैक्टली सीधी नहीं है मीनार है, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, हाँ ये चारों टेढ़ा है, लीनिंग है आउटसाइड में, आप बताएंगे क्यों? क्यों नहीं मालूम, इसलिए अगर ये फ्यूचर टाइम में मीनार गिरती है हाँ, भविष्य में भूखे में अटके गए तो मीनार ताज पे ना गिर के बाहर की साइड गिरेगी, इसलिए थोड़ा सा लीनिंग रखा है, बैंड है, थोड़ा सा बैंड है, हाइट है 175 फीट का हाइट है मीनार का, और अंदर से सीढ़ी है अंदर ऊपर तक जाने के लिए। Welcome to my channel. This is Eja. You're watching me here in Agra, Taj Mahal, and this is really incredible and very amazing. The Turkish people, they have prepared very unique design here, which is not possible anyhow in Mughal Saraj. हर चीज का प्रूफ है, जैसा 22 साल लगा, 22 गुंबद बनाया होगा, राइटिंग देखिए छोटी दिख रही थी, नीचे ऊपर स्टैम्प दिख रही, नीचे छोटी लिखी बड़ी की गई, इसलिए बहुत छोटा दिखता है पेनिकल, लेकिन उसका सेम हाइट ये बना हुआ काले पत्थर का, ये नक्शा उसका, अच्छा ये काला पत्थर में 30 फीट का, 5 फीट का चाँद है ये आर्किटेक्ट का, मैंने जिनका ईसा खान, ये तुर्की के थे, मोहम्मद ईसा खान अफेद इनका पूरा नाम था, कैलीग्राफर थे, अमानत खान शिराजी ईरान के थे, उसके साथ साथ आ जाने में काफ़ी प्लानिंग दिया हुआ मार्बल की सीढ़ी, मार्बल में लकड़ी लगा दी है, बारे में स्लिप ना हो सेफ्टी के लिए, अच्छा एक्चुअली पहले क्या डायरेक्टली भीड़ नहीं होती, डायरेक्ट यहाँ से आते थे, अब माफ कर दिया है हाँ, और आप अब संडे तक आते तो लाइन वहाँ से आ रही थी, 2-2 घंटे में ऊपर नहीं आ पा रहे थे, कब भी आ रही थी संडे के दिन, अच्छा संडे सैटरडे को, और सन्नाटा तो सुबह में ही रहता होगा ना, कोई है नहीं आई केम हियर इन आगरा टू शेयर विथ यू माई लिटिल बिट टूर अबाउट ताज महल एंड आगरा एंड आई विल ऑल्सो विजिट tomorrow to Agra fort, so you can see me there also, and don't forget to leave a comment how you feel about this Taj Mahal tour and share my video, and if you like please do subscribe, have a good day, bye. So now we are going already, and now prayer time is Salah is going on here, लास्ट देख लो ताजमहल और ओके गाइस, सो राइट नाउ वी आर गोइंग बैक
because we have already shoot a lot. Very huge group picture going on there. Okay guys, so we are finished already. Yes.